मॉर्निंग एवरीवन, क्लास थर्ड ईवीएस में आज हम आपको चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर थ्री तक का नोट्स भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए चैप्टर वन कॉपी में आपको कैसे लिखना है। जो बच्चे अभी तक कॉपी में नहीं राइट किए हैं, जिसका वन से थ्री तक नहीं कंप्लीट है, वो ज़रूर इस कॉपी को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है 10 मार्क्स जो है वो आपका कॉपी कंप्लीशन पे भी है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए चैप्टर वन हम आपको शो करने आए। देखिए यहाँ पे ऐसे ही राइट करना है आपको, चैप्टर वन डालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर वन फैमिली एंड रिलेशंस, तो ये पूरा पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, वर्ड जो है ये ब्लैक पेन से और मीनिंग भी ब्लैक पेन से, और ये जो होगा आपका पेंसिल से होगा सारा। ठीक है, ये जो हेडिंग आपको डालना है, क्या डालना है? ब्लैक पेन से। फिर से यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, ये आपका ब्लैक पेन से, जो जो हम रेड पेन से लिखे हैं उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और आंसर जो है पेंसिल से राइट करना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर आपको पेंसिल से राइट करना है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, वर्ड मीनिंग। देखिए यहाँ पे अब चैप्टर टू पे आते हैं। चैप्टर टू यहाँ देखिए, क्लियर? सॉरी, चैप्टर वन का ही अभी ये क्वेश्चन है, 3, 4, 5। अब आंसर इन द फॉलोइंग इन ब्रीफ, ये लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। देखिए अब क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड आपका लॉन्ग आंसर है। यहाँ अब देखते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद से चैप्टर 2 पे आ जाएंगे। चैप्टर 2 में आपको राइट करना है। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे चैप्टर 2 का ये सारा क्वेश्चन है। तो चैप्टर 3 अब देखिए, चैप्टर 3 तो यहाँ तक आपका टोटल है, यहाँ तक आपको राइट करना है। ठीक है, तो आपको कॉपी चेक कराने के लिए कभी भी आपको स्कूल में बुलाया जा सकता है, तो अपना आप कॉपी ज़रूर कंप्लीट रखें, कि जब भी बुलाया जाएगा तो उस समय आपका कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर?